बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उकदतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हालात कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं और ऐसे हालात में आपकी एजुकेशन के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए, जारी रखने के लिए दारे अतम स्कूल ने एक कदम उठाया है कि हम आपकी ऑनलाइन एजुकेशन का जो है वो इहतमाम कर रहे हैं। और उसी सिलसिले की एक कड़ी हमारा जो है दारे अतम स्कूल का चैनल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप उसके तीन काम करें। फर्स्ट, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो अपडेट आप उनसे होते रहें और आपको वो मिलती हैं। सेकेंड, आप वीडियोज़ को लाइक करें एंड द थर्ड वन इज़ के बेल आइकॉन को प्रेस करें। उम्मीद है कि आप सब ने ये जो है वो पहले ही कर लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो अभी फ़ौरन से कर लें। जज़ाक आए। आज हम जो है वो अपने नेक्स्ट सॉल्विंग सेशन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो पेपर है वो पहले है नाइन्थ क्लास का और वो है पीएस का पेपर। उसी के सॉल्विंग सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर वन, डेवर लाइन पाकिस्तान की डैश सरहद को कहते हैं एंड द ऑप्शंस आर नंबर वन अफगानिस्तान, नंबर टू चीन, नंबर थ्री भारत, नंबर फोर ईरान। सही ऑप्शन इसका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो सरहद मुल्हिका है डेवर लाइन उसको कहते हैं। उसकी लंबाई तकरीबन 2250 किलोमीटर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद, और इसका नाम डेवर लाइन, इसको डेवर लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने अपनी बुक में पढ़ा भी होगा कि सर डेवरन ने जो है वो इसको जो है वो हद गुम कर रखा था, तो उन्हीं के नाम पे इसको जो है वो मुंसलिक कर दिया गया। कोहिस्तान नंबर टू है आपका एमसीक्यूज़। कोहिस्तान पाकिस्तान के डैश जानी वाक़ है एंड द ऑप्शंस आर शुमाल मगरिब, नंबर टू शुमाल मशरिक, नंबर थ्री जनूब मगरिब, नंबर फोर जनूब मशरिक। तो इसका ऑप्शन नंबर वन दैट इज शुमाल मगरिब में पाकिस्तान की शुमाल की मगरिब की जानिब जो है वो वाक़ है, तो इसका सही आंसर होगा शुमाल मगरिब। नंबर थ्री, एमसीक्यू नंबर थ्री, पाकिस्तान का एटमी तजर्बा हुआ। अब हमने बताना है ये कब हुआ, डेट भी और ईयर भी। यहाँ पर हमारे पास डेट्स मौजूद हैं एंड ऑप्शन आर 28 मई 1998 यानी कि 1998, 28 मई 1968, 22 मई 1998, 27 मई 1998। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो है 28 मई 1998 को जो है वो पाकिस्तान ने अपना किया था बलूचिस्तान में, चाली के पहाड़ों में बलूचिस्तान में जो कि वाक़ है वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान का कामयाब तजर्बा जो है वो इसका हुआ था। और आपको पता है उस वक्त जो है वो नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था और उसके दौरे हुकूमत में जो है ये अचीवमेंट हासिल की गई थी। नंबर फोर एमसीक्यूज़, सतमुखा बलूचिस्तान के शुमाल में पहाड़ी सिलसिले वाक़ हैं, वो हिंदुस्तान के कौन से पहाड़ी सिलसिले वाक़ हैं। इसके ऑप्शन हैं हमालिया के, नंबर टू कोह सफ़ेद के, नंबर थ्री चाबी और टोपा काकड़ की, नंबर फोर है कीर्थर और कोर। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है कीर्थर और कोर। पाकिस्तान को आबोहवा के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, आपने उनकी डिवीजन बतानी है। जैसे साहली आबोहवा का खिता, हाली आबोहवा, हाली वाला बुलंदी और बुलंदी वाला आबोहवा का खिता, नीम हाली बुलंदी वाला, इस तरह। तो इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन हैं 2, 3, 4 एंड 5 और हमारा राइट आंसर है फोर। फोर पार्ट्स में आबोहवा के लिहाज से जो है वो इसको डिवाइड किया गया है। इसमें बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि कुदरती खितों के लिहाज से पाकिस्तान को तकसीम किया गया है, तो बच्चों को जो है बच्चों आपको थोड़ा मसला हो जाता है, वो आपस में मिक्सअप हो जाता है कि चार पॉइंट किसका है और पाँच किसका है, लेकिन इसका आंसर जो है वो बेटा जी चार। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। नंबर सिक्स, नीम हाली बड़ी बुलंद आबोहवा के खत्ते में ज़्यादातर बारिश कौन से मौसम में होती है। अब हमने बताना है कि मौसम कौन सा है। सब नंबर वन है मौसम सरमा, नंबर टू मौसम बहार, नंबर थ्री मौसम फिजा, नंबर फोर मौसम गर्मा। तो यहाँ पर उस इलाके में जो है वो नीम हाली बुलंदी वाले बड़ी आबोहवा वाले खत्ते में मौसम गर्मा में जो है वो ज़्यादा बारिश होती है, इनके गर्मियों के मौसम में। नंबर सेवन,
सियाचिन जो है वो आपको पता है कि ग्लेशियर का नाम है, तो ये जो वर्ड है सियाचिन ये किस जुबान का लफ्ज है जिन्होंने हमसे पूछा है, एंड द ऑप्शंस आर अरबी, उर्दू, बिल्ती या पंजाबी। तो इसका बेटा राइट आंसर है बिल्ती, ये बिल्ती जुबान का वर्ड है सियाचिन। हस्पर ग्लेशियर कौन से दरिया से निकलता है, रावी से, चनाब से, जिल्लम से या हस्पर से। तो ये हिस्पर ग्लेशियर जो है वो दरिया हिस्पर से निकलता है, उसी के नाम से जो है वो इसको उसके साथ एसोसिएट किया गया है और इस ग्लेशियर को उसका नाम दिया गया। नंबर 9, दवामी नहरें कितनी माह चलती हैं। दवामी नहरें बेटा बेसिकली वो नहरें होती हैं जो सारा साल जो है उनमें पानी मौजूद रहता है, वो चलती रहती हैं। तो उसकी ऑप्शन हैं जी 3 माह, 6 माह, 10 माह, 12 माह। अगर हम सारे साल को देखते हैं तो एक साल में चूंकि 12 माह होते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर राइट जो होगा वो होगा 12 माह, क्योंकि ये नहरें सारा साल चलती हैं, तो ये 12 माह यहाँ पे एक ऑप्शन इसका राइट वन होगा। नंबर 10, दरियाए जिहलम निकलता है, दरियाए जिहलम कहाँ से निकलता है ये हमें बताना है। नंबर 1 है कश्मीर से, नंबर 2 अफगानिस्तान से, नंबर 3 चोलिस्तान से, नंबर 4 सिंध से। तो इसमें राइट वन आंसर है कश्मीर से, दरियाए जिहलम जो है वो कश्मीर से निकलता है, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में जो है वो आया था सिंध का स्मार्ट के लिए। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको जो है वो आपके राइट आंसर्स पता चल चुके होंगे, और अगर किसी की कोई मिस्टेक होगी तो वो भी जो है वो पता चल चुकी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सभी MCQs जो है वो ठीक हुए होंगे और अच्छे अच्छे पेपर आपके अच्छे अच्छे मार्क्स जो है वो आप लेंगे। जज़ाकअल्लाह।